नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। रविवार की देर रात करनाल में एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है। आत्महत्या के प्रयास से पहले व्यक्ति के द्वारा 5 लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी भी है। उस पर आरोप लगता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति ने उस अधिकारी को देसी घी के डब्बों में भरकर करीब 28 लाख रुपए बतौर रिश्वत दिए हैं। आखिर डब्बे में बंद रिश्वत के इन पैसों का क्या राज है? क्यों यह आत्महत्या के प्रयास का कदम तब नहीं उठाया गया जब अधिकारी के द्वारा अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी में कार्यवाही की गई थी? आखिर क्या वजह रही कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति के परिजनों को भी इस बात का नहीं पता कि जिस रिश्वत के पैसों की बात की जा रही है वह कब और कहां दिए गए? इन सब सवालों के जवाब यदि ढूंढने निकले तो अवश्य ही मिल जाएंगे। आपको बता दें कि परवीन नामक व्यक्ति द्वारा करनाल के जीटीपी विक्रम कुमार पर 28 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसके बाद परवीन के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है और उसे करनाल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। आपको बता दें कि करनाल के जीटीपी विक्रम कुमार पर यह आरोप पहली बार नहीं लगा है। विक्रम कुमार अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहते हैं, पहले आप यह सुनिए। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदन और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 से हुड्डा के कार्यालय में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार जी। मैं इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक शख्स इनका नाम लेकर इनके ऊपर आरोप लगाता है कि उन्होंने रिश्वत ली है, उसके बाद वो आत्महत्या का प्रयास करता है। आखिर क्या यह पूरा माजरा है, क्यों इनके ऊपर लगातार आरोप लगते आ रहे हैं? पीछे भी हमने देखा इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, आखिर क्या माजरा है? विक्रम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू विक्रम जी। एक व्यक्ति आपके ऊपर रिश्वत लेने के आरोप लगाता है, उसके बाद वो आत्महत्या का प्रयास भी करता है, उसमें भी वो आपका नाम लेने का लेता है, आखिर क्या माजरा है और इसमें कितनी कुछ सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि ये मैंने भी कल रात को मीडिया के माध्यम से ही देखा वीडियो, रात को 10 बजे के करीब। ये जो परवीन कुमार हैं ये और इनके जो पार्टनर्स हैं, ये उनका कोई आपसी डिस्प्यूट होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जिस वो लेटर मीडिया में भी दिखाया जिसमें 5 लोगों के नाम हैं इंक्लूडिंग मी, तो जो 4 लोग हैं मैं उनको कभी नहीं जानता, ना मैंने कभी उनके नाम सुने, शायद वो लोग भी मुझे कभी नहीं जानते होंगे। तो ये इनका आपसी झगड़ा हो सकता है। मेरा जहाँ तक नाम लेने की बात है और जो ये कह रहे हैं कि डीटीपी ने डेमोलिश किया और ये वो, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो ये परवीन है ये डीलर हैं। इन्होंने करनाल के अंदर टोटल 3 कॉलोनियाँ काटी है, इसमें से एक जो पहली कॉलोनी है वो है काछवा के अंदर, वो आउट ऑफ कंट्रोल एरिया अर्बन एरिया है जिस पर हमारी कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती। उस पर हमने कोई कार्रवाई की भी नहीं है, ना कोई नोटिस दिया। हमने जब चेक किया उसको, वो हमारे ज्यूरिडिक्शन से हमें बाहर मिले। दूसरी जो कॉलोनी इनकी है वो गोगड़ीपुर की तरफ है, उस कॉलोनी को हमने नोटिस दिए और जब चेक किया तो वहाँ पे एक मकान की डीपीसी ये भर रहे थे, तो हमने उनको उसी टाइम रोका। तो जब वेरी नेक्स्ट डे जब हम गए तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ था कि हनुमान जी का वो जो ध्वजा आती है, जो झंडा बोलते हैं, वो लगा दिया था कि मैं तो जी मंदिर बना रहा हूँ। तो हमने इसको समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसे तो तेरी कॉलोनी बचनी नहीं है, अगर तू चाहता है कि तेरी कॉलोनी में कोई कार्रवाई ना हो और वो कॉलोनी नई थी, कि तू इसके अंदर खेती कर दे, तू खेती करेगा हम ये इसको यही छोड़ देंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 2 साल हो गए मेरे को उसके अंदर खेती है, उस कॉलोनी के अंदर आज भी खेती हो रही है, उस कॉलोनी को हमने बिल्कुल डेमोलिश नहीं किया। जो इनकी तीसरी कॉलोनी है वो त्रावड़ी के अंदर, जिस कॉलोनी की ये कल मीडिया में मैंने बात भी सुनी, तो इसके अंदर हमने जो डेमोलिशन की है वो 4-5-6 महीने पुरानी डेमोलिशन की हुई है। इस पर अब ये कैसे आ गए या अब कैसे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि डीटीपी ने तोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया, ये ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंने आपके मीडिया साथी के लिए ये अपनी स्क्रीन पे खोल के रखा हुआ है, ये 18/11/2020 को हमने डेमोलिश की है इसकी कॉलोनी, उसके बाद हमने कोई डेमोलिशन नहीं की है, कोई बातचीत नहीं है। ये कभी इस डेट से पहले और इस डेट के बाद मेरे पास नहीं आया। पहले ये आया हुआ है मेरे ऑफिस में, मेरे से मिल के भी गया हुआ है, मैं ये बात मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन 18/11/2020 को कॉलोनी तोड़ी थी हमने, उसको 5 या 6 महीने बीत चुके हैं। ये है सारा कुछ मामला। देखिए, ये थे डीटीपी विक्रम कुमार। इन्होंने बताया कि जिस शख्स ने इनके ऊपर आरोप लगाया है
उन्होंने 3 कॉलोनियाँ काटी थी, एक इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, दूसरी जगह इन्होंने समझा बुझा कर वहाँ पर खेती का काम शुरू करवाया, तीसरी जगह इन्होंने कार्रवाई की थी आज से 4-5-6 महीने पहले। इनका ये भी कहना है कि ये मेरी भी समस्या बाहर है कि आखिर 4-5-6 महीने के बाद मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। सर, आरोप ये भी लगाया कि आपने इनसे कई लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे थे, उन्होंने दिए हैं और वो अब नहीं देने के उसमें नहीं थे क्योंकि कॉलोनी डिमोलिश हो चुकी थी, प्लाट्स जो प्लॉट थे वो सेल नहीं हो रहे थे। उनका ये भी कहना है कि वो इससे पहले आपको कई लाखों रुपये दे चुके, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। ये उनकी मीडिया के माध्यम से ये मेरे को काउंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। पहले भी लोगों ने काउंटर किया है, 10,000 से स्टार्ट हुआ था, पहले 10,000 का एलिगेशन था, फिर 5 लाख का एलिगेशन था, फिर 7 लाख का एलिगेशन था, अब 27 लाख का एलिगेशन है। ये DTP को प्रेशराइज करके ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से अगर हम प्रेशराइज करेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन हमने जो कार्रवाई स्टार्ट कर रखी है, हमें ऊपर से आदेश हैं, हम गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट के जो आदेश आते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब तक गवर्नमेंट अपने CM साहब का बड़ा क्लियर व्यू है इस पे और विज़न है कि सिटी सारी प्लान्ड वे में होनी चाहिए, अनऑथराइज का खेल बहुत हो गया है। तो जैसे CM साहब का व्यू विज़न है, बड़ा अच्छा विज़न है, मैं भी टाउन प्लानर हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, हम उसी की वो कर रहे हैं, जो CM साहब के ऑर्डर हैं हमें, हम उसी में कर रहे हैं। और हम जनता से अपील भी करते हैं कि भी आप प्लांट वे में जाइए, प्लांट कॉलोनी में घर खरीदिए। और जो हमारे डीलर हैं उनसे भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, पंपलेट हमने सर्कुलेट करवाए हैं, हर कॉलोनी में बोर्ड्स लगवाए हैं, जनता का अवेयर करने का काम किया है, अब तो रेडियो पे मुनादी भी करवा दी है हमने, हर हर गली गली हर वार्ड तक वहाँ तक पहुँचा दिया इस चीज़ को कि आप ना लें। और कुछ लोगों को समझ भी आया है, कुछ लोग मेरे पास मेल करके या वैसे भी मेरे ऑफिस में आके पूछते हैं कि जी कौन सी कॉलोनी में हम खरीद सकते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो आते हैं, हम लिस्ट दे देते हैं कि ये वाली लिस्ट है, आप इसमें से जो आपको पसंद आए, जहाँ पसंद आए, जिस रेट में आपको पसंद आए, आप उस रेट में और जिस कॉलोनी में लेना चाहें ले सकते हैं। कुछ डेवलपर भी आ रहे हैं जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ काटने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे मैं आपको नाम के तौर पर बताऊँगा कि असंध के अंदर 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पर, कोई मेरे पास नहीं आया कि मेरे को कॉलोनी काटनी है। वहाँ असंध के अंदर भी ऐसा ही चलता है कि सारे के सारे अनऑथराइज, लेकिन अब देखो अगर ये 3 महीने का ही देखें, हमने 3 महीने में जो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, 3 महीने में 3 से 4 डेवलपर मेरे पास आए हैं कि जी हमें 12 एकड़ में काटनी है, हमें 7 एकड़ में काटनी है, हमारा ये जोन लग रहा है, हमें फ़ीस कितनी लग जाएगी, कितने दिन में हो जाएगा। तो असंध में भी आ रही है, नीलोखेड़ी त्रावड़ी में तो काफ़ी अप्रूव्ड कॉलोनियाँ आ रही है। लोगों से अपील भी है कि बिल्कुल ना लें अनऑथराइज में और ऑथराइज में। त्रावड़ी के अंदर जो रेट का फ़र्क है वो बहुत कम है, आप जाएं सुखी से रहें उसमें और वहाँ प्लॉट खरीदें, आपको टूटने का कभी डर नहीं है। और जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि वो इतने पैसे दिए, वो खुद ही तो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, फिर इतने पैसे कैसे दे सकता है, ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। देखिए, इनका ये कहना है कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। पहले 10,000 से शुरू हुआ था ये काम, इनके ऊपर 10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था, वो धीरे धीरे बढ़ता अब कई लाखों तक पहुँचे। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने अपने माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का बहुत प्रयास किया है और अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। सर, अगर हम बात करें करनाल में CLU की पिछले दो सालों में कितनी CLU हो चुकी होगी? मैं आपको ढाबे के रिगार्डिंग एक ना पॉइंट यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूँगा कि जब मैंने ढाबे पे कार्रवाई स्टार्ट की, मेरे पे तब भी एलिगेशन लगे थे कि DTP ढाबे उनके ढाबे तोड़ दिए, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनके छोड़ दिए, जिन्होंने पैसे दे दिए। तो मैंने 2010 से 2020 का एक डाटा बनवाया, तो उसके अंदर 8 साल में जितने CLU ढाबों के हुए हैं उससे 1 या 2 CLU ज़्यादा हो गए हैं सिर्फ 2 साल में। वो हमारी कार्रवाई का ही नतीजा है, वो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। मैं उंगली पे गिनवा सकता हूँ 10 ढाबे आपको। लक्ष्मी रसोई है उसके अंदर, राजेंद्रा ढाबा है, सूर्यवंशी ढाबा है, मयूर ढाबा है, पंजाब ढाबा है, इन सब को CLU मिल चुका है, उनके कुछ के नक्शे पास हो गए हैं, ये बनाना भी स्टार्ट किया है। सुदर्शन का जुनेजा का एक वहाँ पे ढाबा था अपना घरोंडा में, उनका ढाबा टूट गया था, उन्होंने आए, उन्होंने CLU लिया, इतना मान सम्मान हमने उनको दिया है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी हमारी बातों को सुना और CLU लिया, अब वो अपने नया ढाबा बना रहे, स्वागत है उनका। तो ऐसे जब काम करते हैं तो रिज़ल्ट भी आने स्टार्ट होते हैं, तो CLU के रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे पास,
तो इस तरह से हम कॉलोनियों का भी अभी 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 लगाम लगी हुई है बिल्कुल। मैंने एक बार मीडिया में कहा था कि मैं 3 कॉलोनियाँ बता सकता हूँ जिस पे मकान बनने बंद हो गए हैं या बिल्कुल खाली कॉलोनियाँ कर दी है मैंने। आज के टाइम में 3 नहीं, मैं 5 बता सकता हूँ। 2 कॉलोनियाँ और ऐड हो गई है उसके अंदर। ये अचीवमेंट है डिपार्टमेंट की और लोगों को समझ में आ रहा है। सर, आप डिपार्टमेंट के अचीवमेंट बताते हैं लेकिन आपके ऊपर लगातार एलिगेशन लगते जाते हैं, लगातार लगते जा रहे हैं। आपने हमें खुद बताया कि 10,000 से स्टार्ट हुआ था, आज वो कई लाख तक की बात आ गई। पार्षद भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जनता भी आपके साथ, जब जिसका मकान टूटता है तो वो उसको गुस्सा आना, उसको दुख पहुंचना स्वाभाविक है। पार्षदों का कहना है, पार्षद भी आपके प्रति रोष व्यक्त कर चुके हैं। आपको जैसा कि पता है, आपने खुद बताया, इस बात को स्वीकार किया कि जब से आप आए हैं पिछले 2 सालों में लगातार एलिगेशन लगते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब आरोपों के बीच अभी तक फिलहाल कोई ऐसा आरोप साबित हुआ जो आपके ऊपर लगे, या फिर इन सब आरोपों के बीच आपके कार्यशैली में या आपके काम करने की क्षमता में कोई परिवर्तन आया? नहीं, मैं इसमें आरोपों का ये बता देता हूँ कि आरोप तो 2 मिनट में हट सकते हैं सारे के सारे। मैं आज ऑफिस के अंदर बैठ जाऊँ, डेमोलिशन बंद कर दूँ, आरोप कोई लगेंगे नहीं। कोई आरोप नहीं है। DTP बहुत बढ़िया, DTP बहुत बढ़िया, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जब काम नहीं करूँगा तो ईमानदारी से करूँगा ना, यहाँ बैठा रहूँगा तो एलिगेशन कौन लगाएगा? बाहर जाऊँगा और जब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी, लोगों को समझाने की कार्रवाई होगी, तभी तो एलिगेशन लगेंगे। मैं बिल्कुल ये स्टॉप करने वाला नहीं हूँ। मेरा अगर कोई चाहता है कि कॉलोनी काटनी काटनी है, कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है, और वो भी मेरे होते हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम मेरी ट्रांसफ़र लेके आनी पड़ेगी यहाँ से, वरना तो मैं नहीं होने दूँगा। कोई नई कॉलोनी नहीं कटने दूँगा जब तक मैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, DTP विक्रम कुमार, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर इन्होंने करनाल में अगर किसी ने अवैध कॉलोनी काटनी है तो उसको काटने से पहले, वहां पर मकान बनवाने से पहले उनको इनकी ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। बाकी बात रही आरोपों की, इनका ये भी कहना कि अगर ये अपने कैबिन में बैठे रहेंगे तो कोई भी आरोप इनके ऊपर नहीं लगेगा। ये फील्ड में जाकर काम करते हैं, अवैध कॉलोनियों को पनपने नहीं दे रहे, करनाल को वेल प्लान्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो कि CM का विज़न है, यही कारण है इनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये प्रेरित तो मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर हाँ, वीडियो देखने के बाद मेरे को इतना ज़रूर समझ में आया है कि ये मामला तो है उन्हीं का ही, लेकिन मेरे को लपेटे में लिया गया है। वहाँ में पार्षद जो बलविंदर है, मैंने उनको भी देखा है, डलवाया होगा मेरा नाम कह के कि हाँ इनको भी ले लो साथ साथ, तो ये हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो प्रकरण कल हुआ उसको लेकर इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो भी बातें हैं सारी के सारी कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर चल रही हैं, कहीं ना कहीं से इनके पीछे कोई ना कोई हाथ है जो कि प्रेरित होकर इनके कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़वाया जा रहा है। इनको भी मीडिया के माध्यम से पता लगा कि ये वाक्य घटित हो गया। इससे पहले ये बता चुके हैं कि कुल 5 लोगों का नाम था उस नोट के अंदर, जिसमें इनका नाम भी है। इसके अलावा जो भी अन्य लोग हैं वो उनको नहीं जानते। बाकी स्पष्ट इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर करनाल में रहना है तो वैध कॉलोनियों में रहें, पक्के मकानों में रहें। आप इनसे कभी भी आकर डाटा ले सकते हैं भी कौन सी कॉलोनी वैध है, कौन सी अवैध है। अवैध कॉलोनी में ना बने और ये अपने रहते अवैध कॉलोनी नहीं पनपने देंगे। मैं तरुण बुदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। बीते 2 साल में उन पर रिश्वत लेने से कई आरोप लगे हैं। पहले बार उन पर 10,000 रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा था, अब यह लाखों रुपए में पहुंच गए। अपनी कार्यशैली को लेकर तेज तर्रार माने जाने वाले DTP द्वारा पिछले 2 सालों में 15 CLU कार्रवाई की गई है, जबकि इससे पहले 8 सालों में ढाबों के 12 CLU हुए थे। इसके अलावा उनके द्वारा एक दिन में 14 अवैध ढाबे भी तोड़े गए थे, जो कि अपने आप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब ऐसे अधिकारी पर जो कार्रवाई के लिए जाना जाता है उस पर आरोप नहीं लगेंगे तो किस पर लगेंगे? इस मामले को लेकर DTP विक्रम कुमार का कहना है कि प्रवीण कुमार द्वारा उन पर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है। उन्होंने प्रवीण द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई आज से 4-5 महीने पहले की थी, तो उस समय उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई गई? यदि वह दफ्तर में बैठे रहते और कोई काम ना करते तो उन पर भी कोई आरोप ना लगता। अवैध कॉलोनियां ना पनपे इसलिए उनके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही उसका इनाम स्वरूप उन्हें यह आरोप मिला है, जबकि वह प्रवीण के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को ना कभी मिले हैं और ना ही जानते हैं। देखिए करनाल से हमारे संवाददाता तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट।
सर जो अभी पेशेंट आया है उसका नाम प्रवीण है, उन्होंने फिनाइल इंजेक्शन अभी पॉइजनिंग ली हुई है, उस चीज़ के लिए जो अभी ज़रूरी इलाज के लिए चलना चाहिए था हमने ट्रीटमेंट चला दिया है। उसके अलावा जो जो हमने टेस्ट भेजने थे वो भी भेज दिए हैं, पुलिस को भी हमने सूचित कर दिया है, पुलिस की टीम भी बाहर मौके पर अभी है, जो आगे की कार्रवाई होगी 24 से 48 घंटे के बाद उनकी जो आगे की रिपोर्ट रहेंगी वो आप लोगों को हमसे। हालत कैसी है उनकी अभी? तो सर जब आए थे उस टाइम पे बीपी कम था, दूसरा होश खराब था उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की हुई थी, उस चीज़ के हिसाब से अभी आईसीयू में शिफ्ट किए गए हैं। आईसीयू में पेशेंट को जब भी शिफ्ट किया जाता है जब वो क्रिटिकल होता है, तो अभी तो हालत उनकी क्रिटिकल बन गई। कोई सुसाइड नोट वगैरह भी छोड़ा है सर? अभी उस चीज़ का हमें ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था, हम जब आए थे तो उस टाइम पे पेशेंट को देखना जरूरी था, उस चीज़ के हिसाब से हमने पुलिस को जानकारी थी। पुलिस को जानकारी है, पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया गया है, जो उनके सचिव है उनसे बात हो गई है, उनको भी आई इन्फॉर्म कर चुके हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर जनीश है, मैं अमृतधार में यूनिवर्सिटी। दोस्तों मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि इसमें मौजूद करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में कल रात को जो करनाल में प्रकरण हुआ था, प्रवीण नाम के व्यक्ति ने कल आत्महत्या का प्रयास किया, उन्होंने डीटीपी पर पैसे लेने के आरोप लगाए। आखिर क्या है मामला, क्या प्रकरण हुआ, कैसे ये सब कुछ हुआ, क्या घटित हुआ, इस बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ उनके परिजन ही हैं। सर आपका नाम क्या? सर मेहर सिंह है जी। मेहर सिंह जी क्या वाक्य हुआ था? वाक्य सर जो हमारे को पता लगा, ये प्रवीण जी हमारे यार दोस्त हैं, सामाजिक भी हैं, तो हमने जो पता लगा इन्होंने एक 2.5 एकड़ ज़मीन तरावड़ी मिली थी, जो एक शर्मा जी हैं वहाँ के पंचकुला के जगमोहन जी, और 3 डीलर हैं यहाँ के जो तरावड़ी में काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रवीण जी को ज़मीन दिलवा दी, रामेश्वर वगैरह जो भी, हाँ तीनों ने ज़मीन दिलवा दी, उसके अंदर 102 मरले खुद भी ले लिए, और जो वो मालिक है उसने बयाना करा दिया, बयाना कराने के बाद उसके लड़के की शादी आएगी, पर्सनली तौर पर उसने 40-50 लाख रुपये इस पद ले लिए। उस ज़मीन का 2.5 एकड़ का कोई रास्ता नहीं था, इनने 40-30-40 लाख रुपये में ज़मीन का रास्ता भी ले लिया, उसके अंदर 4 द्वारी बना ली, बाउंड्री बना दी, पेड़ पौधे लगा दिए, और उसके बाद जो ये विक्रम सिंह है अफसर है, इन्होंने भी उस पर 27-28 लाख रुपये ले लिए, इनकी सबकी सेटिंग होगी, इन्होंने सारे सेटिंग करने के बाद तो इन्होंने क्या कराया, बयानने की डेट आई ना जिस टाइम लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए, पर्सनली तौर पर ये इसको टॉर्चर लगे कुछ दिन पहले, ये कहने लगे अपने रजिस्ट्री कराओ, आप भी पैसे दो और मैं भी कराऊं, उन्होंने रजिस्ट्री की बजाय आन के उसको धमकी देने लगे भी आप इस कॉलोनी के कुछ नहीं लगते, करोड़ों रुपया लेके उसके बाद इसको धमकी दे दी, जिस कोई ने प्लाट बेचे थे वो प्लाट की वो अपनी रजिस्ट्री कराना चाह रहा, जिन लोगों ने गरीबों ने खरीदे थे बीमारी रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कहाँ से कराए, वो शर्मा जी बेईमान हो गए, तो इसके पास लास्ट ये 2-3 दिन पहले धमकी दे दी भी यहाँ से बाहर हो जाओ। किसने दी थी धमकी सर? ये जो पंचकुल्ले वाला जगमोहन जिसकी यह जमीन है, हाँ तो उन्होंने धमकी दे दी भाई आप यहाँ से बाहर निकलो, वहाँ से जो इसके ऑफिस बनाया उसका लोग लगा दिया, बाहर निकाल दिया, इसके पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा, 102 मरले के पैसे नहीं मिले, करोड़ों रुपया वैसे भी ऐठ के इस पर है, और उल्टी धमकी दे रहे जिन्होंने वो 102 मरले के जो प्लाट लिए थे उन्होंने डीलरों ने, वो भी कहने तेरे पे केस करेंगे उल्टा और हम, तो ये बंदा तो बिल्कुल फंसा लिया, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, ये तो परेशान हो गया, पैसे भी करोड़ों जा लिए, तो जमीन भी मिल रही, ऊपर से मारने की धमकी भी दे रहे। मेहर सिंह जी अगर हम बात करें डीटीपी के ऊपर 28 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है, हाँ जी 28 लाख, ये कब का वक्त कब दिए गए थे, और अगर दिए भी गए थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित किया कि मैंने भी फलाने ऑफिसर ने मेरे से इतने पैसे? ये तो प्रवीण जी बताएगा, पर इतना जरूर उन्होंने बताया भी जिस टाइम ये पीला पंजा चलाने जा रहे थे, तो पीला पंजा चलाने के सेटिंग कर ली भी तेरा कॉलोनी अपनी बेच मकान बना तेरे को कोई नहीं रोकेगा, उन्हें डर के मारे भी चलो खरीद तो लिया, गरीब आदमी ने प्लाट ले लिए भी इनका नुकसान ना हो, इस वजह से उसने दे दिए, उसने कहा भी मैंने घी के डब्बे में भी दिए, पता नहीं किस किस तरीके था, उन्होंने 3-4 बार अलग अलग तरीके से दिए, 4 लाख कभी दिए, 2 लाख कभी दिए, 5 लाख कभी दिए, उन्होंने सारे पैसे भी दे दिए जो उन्होंने बताया, उसके बावजूद भी मतलब इसके सारे जो 4-5 लोग थे ना डीलर मालिक और ये अफसर सब मिलकर ये टॉर्चर करेगा, इसके पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। टोटल कितने आदमियों का नाम है इसमें? 5 आदमियों का नाम है जी। क्या क्या नाम है उनके? उनके नाम है जगमोहन जी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है पंचकुला में, उनकी वाइफ के नाम उषा शर्मा के नाम है जो है जमीन है त्रावड़ी की, और इसमें है एक अरविंद वर्मा है जो वहाँ पे डीलर भी है कलोनाइजर भी है जिन्होंने ये सौदा करवाया था, और मोहन राणा, तो मोहन राणा के साथ एक है जी इसका
अंकल है रामेश्वर दास वर्मा, जो ये तीनों चारों मिलके इन्होंने ये सारी साजिश रची है और लाखों करोड़ों रुपये वहाँ से ले चुके हैं। उसके बाद अब ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और ना ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं। इस चक्कर में पूरी स्थिति आज आप सब के सामने है। अब प्रवीण जी की हालत कैसी? अभी डॉक्टर अभी अनफिट है, वो अभी नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं जो वहाँ पे है, जो मिली भक्त जिन्होंने की है सारों ने, वो मिलके उनके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाए और ताकि आगे भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। आपका नाम क्या? प्रेमपाल अथीरा, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, उनके साथ भी हूँ। मैं तो सामाजिक तौर में वैसे रिश्तेदार, समाज के मैं गांव पक्का खड़ा सरपंच में है, सभी हैं यहाँ पे। मेरा नाम काला राम है। मेरा नाम काला राम है जी। काला राम जी, क्या हुआ आपका? ये तो जी मेरे को तो रात को ही पता लगा जी, जब पता लगा कि भाई ये उसने कुछ लड़के ने आपके कुछ खा लिया है, तो हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी आदमी इकट्ठे रहते हैं, उसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। यहाँ पे फिर समाज के आदमी आ रहे थे, उन्होंने बात करी है, मैं तो मेरे को भी इसके बारे में इतना नहीं पता, यहीं से आके सब पता लगा। अभी ऐसे ऐसे करके पांच आदमी हैं जो उनके इसको टॉर्चर कर रहे थे, वैसे पाँच छः महीने से बहुत ही परेशानी में चल रहा था, हमें भी इसने कुछ नहीं बताया था, हम भी अपने काम पर रहते थे। बस मुझे तो अभी इतना ही पता है जी, बाकी तो वो बताएगा क्या क्या बात हो रही है। हमारा सारा मकान वगैरह सब हमारे पास कुछ नहीं अच्छे, हमने उसने सारे मकान मुकुन हमारे सब मतलब गाने का गिरवी रखे हुए हैं, सारे हमने साइन करे हुए हैं। पहले लड़के ने पैसा पूछा, जैसे मांगता था पैसे उठा रखे हैं, इधर उधर से कर रखे हैं, अब परेशान हो गए उसने ये काम किया। एक प्रवीण जी ने जैसा वीडियो में बताया है, DTPO को घी के डिब्बे तक वहाँ पर उन्होंने पहुँचाए हुए हैं पर्सनली मिलकर, ये बात भी हमने वीडियो में सुनी है प्रवीण जी द्वारा। मैं बताता हूँ, थोड़ा मेरे को बताऊँ। प्रवीण जी जो हैं मेरे छोटे भाई के साले हैं, ये हमारे मूसा जी खड़े हैं, इन्होंने जो बयान दिया, हमारे सरपंच साहब ने जो दिए हैं, ये अच्छे जो थे मौके की मैं बात बताई। लेकिन कुछ दिन पहले प्रवीण मेरे से मिला था, एक कई घटना घट गई थी वहाँ पे, हम इकट्ठे हुए थे, उसने मेरे को समस्या बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पास कुछ समस्या हो रही है, मैंने कुछ ज़मीन ले रखी तरौड़ी में और कुछ इधर दाएं बाएं, इसके तीन कॉलोनी कटी हुई है। तरौड़ी का मामला उसने सीरियस बताया था मेरे को, उन्होंने ये कहा था कि तरौड़ी का जो ज़मीन लिया ना, उन आदमियों ने ज़मीन कुछ ऐसा फ्रॉडबाजी मेरे साथ करे, ज़मीन वापस ही ले ली ना मेरे, और पैसा मेरे से बहुत ज़्यादा चला गया। मैंने उस विषय में अपना मकान और दुकान ये सब गिरवी रख दिए उनका पैसा देने के लिए। आज मेरे मौसा जी ने बताया कि गिरवी रखे हुए सारे, और उसके बावजूद भी मैं बदमाश भेजते रहे घर पर, ऐसी कुछ स्थिति उन्होंने बनाई है। और ये ज़्यादा टॉर्चर होने के बाद इन्होंने अपना ये काम किया है। ढाई महीने तक हमारे मौसा जी घर पे बंद रहे और इन्होंने इसी करके ही ये जहर खाने की कोशिश करी है और उकसाया गया इसको बार बार मारने के लिए, तभी रात भी यही बात थी। तो इस करके मैं कहता हूँ कि जो चार पांच आदमी इसके खिलाफ जिन्होंने पैसा इसका ठग रखा, कोई अफसर हो चाहे कॉलोनाइजर हो चाहे जमीन वाला हो, इसका न्याय मिलना चाहिए और उनको दोषियों को दंड मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुवीर सिंह, मेरे छोटे भाई का साला ये। देखिए ये थे प्रवीण के परिजन और उनके समाज के लोग जिन्होंने हमारे से विस्तार से बात की कि आखिर क्या प्रकरण है, आखिर क्या ऐसे हालात पैदा हुए कि प्रवीण जी को आत्महत्या जैसा एक कदम उठाना पड़ गया, इसके पीछे कौन कौन दोषी। इन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा उनको ठगा गया, जिस तरह से वो बिल्कुल परेशान, मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान हो चुके थे और उनके पास सिवाय आत्महत्या के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था। आप इस सारे मामले को आप देख सकते हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।